Today we study radical equations, solutions of radical equations type 3. Type 2, आपने पढ़ी थी उसमें क्या थे आपके पास? Type 1 में equality की एक तरफ एक ही radical था, एक ही radical का symbol था, तो taking square on both side करके उस radical sign को खत्म कर लिया था. फिर type 2 में क्या था? Equality की एक तरफ दो radical sign थे और equality की right side पे भी radical sign के अंदर values थी. इक्वालिटी की एक तरफ जब दो रेडिकल साइन आए तो हमें रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए कितने टाइम स्केयर लेना पड़ा? टू टाइम. पहले हमने फर्स्ट टाइम स्केयर लिया, तो अब यहाँ पे ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला बना, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर से तो स्केयर ख़त्म हो गया था, टू इंटू ए इंटू बी में वापस ये स्केयर आ गया था, तो फिर हमें दूसरी दफ़ा भी स्केयर लेना पड़ा. आज हम टाइप थ्री पढ़ेंगे. टाइप थ्री आपके पास क्या है? इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस एम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू क्यू. अब आपके पास स्क्वायर रूट वाली दो टर्म्स है इक्वालिटी की एक तरफ और उसके मिड में पॉजिटिव साइन है. स्क्वायर रूट दो हो इक्वालिटी की एक तरफ, तो जैसे हमने प्रीवियस टाइप में किया था कि हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे. इक्वालिटी की एक तरफ दो स्क्वायर रूट के सिंबल हैं, तो मीन्स हमें कितने टाइम स्क्वायर लेना पड़ेगा? टू टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स वी टेक स्क्वायर टू रेड ऑफ गेट रेड ऑफ दिस स्क्वायर रूट? टू टाइम्स. टू टाइम्स हम स्क्वायर लेंगे और इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे. फर्स्ट टाइम जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, वहाँ स्क्वायर नहीं होता तो वापस स्क्वायर आ जाता है. फिर अगेन हमें उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है. लेकिन सेकेंड टाइम जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट के साथ बाहर जो नंबर हैं उन्हें दूसरी साइड पे, जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म ना आए. तो अब इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन. आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ एक स्क्वायर रूट और ये दूसरा स्क्वायर रूट और मिड में क्या है? प्लस. वी हैव टू फाइंड इट सोल्यूशन सेट. अब हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है. अब आप देखें तो इक्वालिटी की राइट साइड पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है. अगर हम सेकंड टाइप को देखें तो हमारे पास तीनों टर्म्स जो थी, एक पहली थी फिर दूसरी थी इक्वालिटी की एक तरफ और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट था. लेकिन अब अगर हम यहाँ पे इस टाइप में देखें तो राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट के बगैर टर्म है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है. अब इन्हें ख़त्म करने के लिए हमें टू टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रीवियस टाइप में तो स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स होती थी. अब दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू थ्री टर्म्स. अब यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स दी हुई हैं? थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स फर्स्ट में भी हैं और थ्री टर्म्स ही सेकंड में भी हैं. अब इन थ्री टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तरफ दूसरी तरफ कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम सबसे पहले आपके पास ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनमें से ये जो सेकंड वाली स्क्वायर रूट वाली टर्म है इस इक्वालिटी की राइट साइड पे ले जाएंगे. यहाँ पे प्लस के साथ है तो राइट पे जाएगी, माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होती तो राइट पे जाती तो प्लस स्क्वायर रूट के साथ वो चली जाती. अब हमने ये स्टेप क्यों किया? ये स्टेप हमने इसलिए किया कि अगर हम इसी स्टेप में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें तो हमारे पास लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा. क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास थ्री टर्म्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर. जब हम उनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे टू इंटू ए इंटू बी में उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा. जबकि हम जब इस स्टेप में इस सेकंड को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आप एक स्क्वायर रूट एक तरफ रहेगी और एक स्क्वायर रूट दूसरी तरफ. अब यहाँ जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सिर्फ हमें बी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी. तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? फॉर ईजी कैलकुलेशन, ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएँ कि हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं कि कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है. जब हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर अब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो a हमारे पास सिंपल है, b हमारे पास ये वाली चीज़ है. तो जब हम 2 इंटू ए इंटू बी करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, तो b हमारे पास इस तरह से आ जाएगा. फिर सिंपल हमारे पास a की स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी, दूसरी नहीं होगी, तो हमें वो लेंथी जो प्रोडक्ट में कैलकुलेशन है वो
नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जब आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हों और इक्वालिटी की राइट साइड पे कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, तो फिर हमने इसके लिए क्या मेथड फॉलो करना है, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे जो दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं उसमें से लेफ्ट जो सेकेंड नंबर पर टर्म है उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव थी तो राइट साइड पर जाके नेगेटिव होगी, अगर यहाँ ये नेगेटिव होती तो राइट साइड पर जाके क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। अब हमने जब इसको शिफ्ट कर दिया, अब हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे एक ही स्क्वायर रूट है, जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। राइट साइड पे अगर आप देखें तो अब आपके पास दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, और दो टर्म्स के दरमियान माइनस है तो डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं हो सकती है, हमने होल स्क्वायर अप्लाई किया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का मतलब हमने लेफ्ट साइड पर भी एक स्क्वायर लिया, राइट साइड पर भी एक स्क्वायर लिया, होल पावर की फॉर्म में। जब हमने एक स्क्वायर लिया तो वहाँ तो दो टर्म्स थी, एक फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, ए जो है वो क्या है 5 और बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट है। अब हमें राइट साइड पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले अप्लाई करने का करना पड़ेगा। मिड में माइनस है तो कौन सा फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब लेफ्ट साइड का एक स्क्वायर रूट था, स्क्वायर भी एक था, उसने उसको कैंसिल कर दिया होल स्क्वायर ने। राइट साइड पे हमने जब लिया तो ए 5 है और बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25। अब जब हम इस टर्म को देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट है और बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए 5 था तो 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेकेंड टर्म जो थी वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इन वैल्यूज पे तो स्क्वायर था तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया अगर सिंपल था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। अब हम जब करेंगे तो ये अगेन स्क्वायर आ गया, ये क्यों आया, क्योंकि इक्वालिटी की एक तरफ गिवन क्वेश्चन में हमारे पास दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स थी। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये जो बाहर उससे बाहर टर्म्स हैं ये सारी 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इन सबको क्या करेंगे हम, इन सबको हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक तरफ सिर्फ ये स्क्वायर रूट वाली टर्म छोड़ेंगे, फिर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे अगेन। ये स्टेप हम क्यों करेंगे, हम ये सारी टर्म्स यहाँ रख के स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास अगेन कोई फार्मूला बन जाएगा, फिर हमारे पास एक स्क्वायर रूट हो, जब हम टेकिंग स्क्वायर करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर कोई और नंबर भी ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा हो तो फिर वो फार्मूला बन जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो सिंप्लीफाई हो गई, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पर राइट साइड पर जितनी भी स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट के बाहर टर्म्स हैं ये सारी जो आपको ब्लैक से लिखी हुई नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये पहले से लिखा हुआ था, 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 ये राइट साइड से हम लेके आए तो सबके साइंस चेंज कर दिए। अब राइट साइड पे सिर्फ क्या रह गया, 10 हमने शिफ्ट नहीं किया, और 10 शिफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई जो भी टर्म हो रही हो जो वेरिएबल हमने फाइंड करना उसके साथ उसे सबसे लास्ट में शिफ्ट किया जाता है। अब हमने 10 उधर ही छोड़ा, बाकी सारी टर्म्स को शिफ्ट कर दिया। अब हम इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास ये वाली जो साइड है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर के साथ, 2x कैंसिल होगा 2x के साथ, प्लस 2x है और दूसरा माइनस 2x है, प्लस एक्स स्क्वायर है और दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर हमारे पास ये दो टर्म्स जो है 4 माइनस 9 एंड 25 ये जो टर्म्स हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी, 4 माइनस 25 क्या आएगा माइनस 21 और फिर उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस 9, माइनस 21 माइनस 9 बिकम्स माइनस 30। अब अगर हम देखें तो अब स्क्वायर रूट के बाहर ये माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग माइनस 10 ऑन बोथ साइड। अब जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सारी टर्म्स हैं। अब जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर कोई टर्म मौजूद नहीं है, और लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 30 था, उसके साथ जब हमने माइनस 10 डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट। अब एक तरफ इक्वालिटी की एक तरफ स्क्वायर रूट वाली टर्म है और उसके बाहर कोई नंबर नहीं है। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आप जब लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल, क्योंकि एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी वैल्यूज है और उसके ऊपर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। अब ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता, वैसे तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर भी था, स्क्वायर के साथ हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तो एक उसकी टर्म है,
जबकि हमारे पास जब तक होल पावर नहीं होगी हम एक टर्म के साथ प्लस या माइनस में हम स्क्वायर रूट को अलग कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में हम स्क्वायर रूट अलग नहीं कर सकते। एक टर्म स्क्वायर वाली हो भी तो हम उसके साथ स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते जब तक सारी टर्म्स का इकट्ठा स्क्वायर ना हो। जैसे इस तरह से आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से हमने वो स्क्वायर खत्म स्क्वायर रूट के साथ खत्म किया, अदरवाइज इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अब जब हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया, अगेन हमने दूसरी टाइम स्क्वायर लिया, अब इक्वालिटी की एक तरफ एक ही स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया और लेफ्ट साइड पे 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो अंदर वाली टर्म्स उसी तरह से लिखी हुई है, क्योंकि स्क्वायर जब हमने लिया तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, वो किसी टर्म पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सारी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर थी, स्क्वायर रूट के अंदर थी, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, वो पावर अब किसी टर्म पे अप्लाई नहीं होगी। अब राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 9 और राइट साइड पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बताया कि हमें उसे अरेंज करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें इक्वालिटी की एक तरफ 0 बनाना है, उसके लिए हमने क्या किया सब्ट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म थी, उसको हम इजीली शिफ्ट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते थे, तो हमने क्या किया सब्ट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। जब 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 9 था, तो उस 9 माइनस 9 तो वो भी क्या हो गया कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया आपके पास। अब x और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a 1 है, b 2 है और c 0 है, और हमें पता है कि a को नॉन जीरो होना कंपलसरी है, b या c में से 0 भी हो सकती है कोई वैल्यू। अब हमने जब इसको देखा तो हमारे पास b 2 है, a 1 है, c 0 है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकंड टर्म में भी x है, तो हम सिर्फ क्या कर लेंगे टेकिंग x कॉमन, ये वाला मेथड फैक्टराइजेशन का हमें अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन में हम कॉमन इनटू नॉन कॉमन में चेंज करते हैं, इट मींस हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन में कौन सा मेथड यहाँ फॉलो हो रहा है, टेकिंग कॉमन वाला, टेकिंग x कॉमन, x को हमने कॉमन लिया तो क्या बना हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2, फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो क्या रह गया x रह गया, और सेकंड टर्म में 2x था, x हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 2, तो हमारे पास क्या बचा x इंटू एक्स प्लस 2। नाउ by using zero product property, the product of two factors is equals to zero, then this implies that either first factor is equals to zero or second factor is equals to zero. Ab first factor x tha, x is equals to zero is the first value, and second factor x plus 2 tha, x ko separate karne ke liye plus 2 jab shift hua to kya ban gaya minus 2. These are the two values of variable x. Ab रेडिकल इक्वेशंस हैं तो हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया, सो पुट x इज इक्वल्स टू 0, पहले हम फर्स्ट वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन इन इक्वेशन 1, तो 0 पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इक्वेशन क्या थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब x square plus 2x plus 4 में जब हम values put करेंगे तो x square क्या है 0 square 2 into x 2 into 0 plus 4, उसी तरह से लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा 0 square, 0 पे कोई भी power apply करें 0, 0 multiply by anything equal to 0, तो 0 plus 0 plus 4 आ जाएगा, 0 किसी भी चीज़ में ऐड हो तो कोई फर्क नहीं डालता, तो स्क्वायर रूट 4 रह जाएगा, स्क्वायर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है जो कि उसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2। इसी तरह आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे यहाँ सिर्फ 4 के बजाय 9 है, अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 9, तो स्क्वायर रूट 9 क्या हो जाएगा 3, राइट साइड पे क्या था 5। अब हमने वेरिफिकेशन में कोई चीज़ लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट नहीं करनी, खुद से स्क्वायर अप्लाई नहीं करना, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 2 प्लस 3 लेफ्ट साइड पे आया, तो 2 प्लस 3 करें तो क्या होता है 5, 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस मेक आवर इक्वेशन ट्रू, इस वैल्यू ने हमारी इक्वेशन को क्या बनाया ट्रू बनाया, इट सेटिस्फाइज आवर गिवन इक्वेशन। नाउ पुट द सेकंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, अब हम सेकंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू क्या है माइनस 2, माइनस 2 जब हमने पुट की तो अगेन हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x square means x की जगह हम minus 2 डाल रहे हैं, minus 2 square 2x means 2 multiply by x की value डाल देंगे minus 2 and then 4, इसी तरह x square plus 2x plus 9 में भी हमने values put कर दी, minus 2 का square क्या बन गया 4
प्लस माइनस माइनस टू टू जार फोर और लास्ट में फोर उसी तरह लिखा हुआ है तो फोर माइनस फोर कैंसिल हो गया सिर्फ एक फोर रह गया आपके पास. इसी तरह से माइनस टू का स्क्वायर माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो क्या बन जाते हैं पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू जार माइनस फोर ये माइनस फोर और प्लस फोर कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा नाइन स्क्वायर रूट फोर इज इक्वल टू टू एंड स्क्वायर रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव फाइव इज इक्वल टू फाइव सो दिस वैल्यू ऑल्सो सेटिस्फाई आवर गिवन इक्वेशन. एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया हमने तो उसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया फिर x इज इक्वल टू टू पुट किया हमने तो उसने भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया सो बोथ दीज वैल्यूज बिकम सोल्यूशन सेट. अब दोनों वैल्यूज सोल्यूशन क्यों बनी आप अगर अपनी ओरिजिनल गिवन इक्वेशन को देखें तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू है मींस अब आपके पास वेरिएबल x के दो आंसर आएंगे और दोनों ही उसको सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज आपकी गिवन इक्वेशन में टू पावर है. आप अपनी फर्स्ट और सेकेंड टाइप को देखें तो उसमें आपके पास x के ऊपर पावर वन होती थी लीनियर रेडिकल इक्वेशन थी अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक रेडिकल इक्वेशन है. वो लीनियर रेडिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर वन थी स्क्वायर रूट के अंदर जो वेरिएबल चूज हो रहा था रेडिकेंट की एज अ रेडिकेंट. अब यहाँ पे x जो है वो रेडिकेंट है स्क्वायर रूट के अंदर यूज हो रहा है बट उसकी पावर टू है आपके पास दो आंसर आए हैं तो दोनों आंसर उसको सेटिस्फाई करेंगे इट इज कंपल्सरी बिकॉज नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टू एंड इट हैज टू सॉल्यूशंस. ये दो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे तो हमने जब चेक किया हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू को पुट किया उसने भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हमने सेकंड वैल्यू को पुट किया उसने भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया सो बोथ दीज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स बिकम्स सॉल्यूशंस एंड रिटन इन सेट बिकम सॉल्यूशन सेट. तो ये आपके पास टाइप थ्री है इसी से रेलिवेंट इसका नेक्स्ट पार्ट है जो आपने सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है कि इक्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल वाली टर्म्स हैं विद दो टर्म्स हैं राइट साइड पे कोई रेडिकल नहीं है तो फिर क्वेश्चन को हम एक तरफ इक्वालिटी की हमें टू रेडिकल्स गिवन है मींस हमें टू टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा लेकिन उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर तीन तीन टर्म्स हैं जब हम स्क्वायर लेंगे फिर उनको टू इंटू ए इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगी उसमें हम मिस्टेक के चांसेस होंगे तो हम क्या करते हैं इक्वालिटी आपकी लेफ्ट साइड पे जो दो रेडिकल है उसमें से सेकंड वाला जो रेडिकल है उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. अब एक तरफ एक रेडिकल और दूसरी तरफ भी एक रेडिकल होगा तो फिर हम सेकंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कांस्टेंट हमारी टर्म ए हो जाएगी और जो रेडिकल वाला है वो बी हो जाएगा. अब जब हम ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडिकल सिंपली और इजीली सॉल्व हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपके पास और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. अब 2x प्लस 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है x आपको नहीं दिया x आपने यहाँ पुट करना है तो इसकी वैल्यू फाइंड होगी और वो x आपने कहाँ से लेना है x जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए मींस x जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. अब आपको इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्व करके वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और वेरिएबल x की जो वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो वैल्यू आप यहाँ पुट करके 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्वेश्चन क्या है फाइंड 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करें इफ x सेटिस्फाइज जब x जो है वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो. सेटिस्फाई का मतलब क्या है सोल्यूशन इट मींस इट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपको सबसे पहले तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा और कैसे फाइंड करना है इक्वालिटी की एक तरफ दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए टू टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा. ये टाइप टू जो आपने पढ़ी थी उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल वाली टर्म है इक्वालिटी की राइट साइड पे भी ऑलरेडी रेडिकल मौजूद है तो अब हमें यहाँ से कोई टर्म कोई रेडिकल दूसरी तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम किसी एक रेडिकल को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे भी तो भी हमारे पास इक्वालिटी की एक तरफ दो ही रेडिकल रहेंगे हमारे पास उसी तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा दो रेडिकल्स को तो हम शिफ्ट नहीं करते. जब इक्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल और इक्वालिटी की दूसरी तरफ सिंपल एक कांस्टेंट नंबर होगा तो फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अब अगर हम देखें तो इक्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल है और राइट साइड पर भी रेडिकल है तो अगर हम शिफ्ट करें भी रेडिकल को तो भी इस साइड पर दो रेडिकल होने के बजाय लेफ्ट साइड पर दो रेडिकल होने के बजाय राइट साइड पर हो जाएंगे तो
स्टेप्स तो सेम होंगे, इसका मतलब है अब हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे। अब यहाँ पे दो रेडिकल वाली टर्म्स आपको नजर आ रही थी, फर्स्ट वन क्या है ए और सेकंड क्या है बी, कि फर्स्ट जो रेडिकल वाली है ए, फिर मिड में माइनस है, फिर दूसरी जो है वो बी है। जब हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया तो डायरेक्ट माइनस पे टर्म्स जब एड सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ पावर अप्लाई नहीं होती, तो हम फार्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। ए इज 40 माइनस 9x एंड बी इज 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब आपके पास यहाँ पे ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी क्या है बी है, आपके पास ये पूरा ए है, और ए के साथ ये जो आपके पास सेकेंड माइनस के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं 2 के साथ ये सेक बी की वैल्यू है। तो अब हम जब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो पहले हम लिखेंगे, पहले क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब मिड में माइनस है तो हमने माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब क्या है, ये 2 जो है ये फार्मूला का है, ये ए की वैल्यू है, फिर ये पूरी बी की वैल्यू है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो जब हमने लिखा तो क्या बन गया हमारे पास, अब जब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे लिया तो अब ए की स्क्वायर रूट था ए, ये पूरा स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 40 माइनस 9x। इस टर्म को अगर आप देखें तो 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, 7 माइनस एक्स पे तो स्क्वायर रूट है बट 2 पे तो स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन जो पावर ली हुई है 2 इंटू 7 माइनस एक्स, कंप्लीट पे पावर है, टेकिंग बी के स्क्वायर का मतलब क्या है इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट में क्या किया जाता है होल पावर सबको दे दी जाती है। तो अब ये पावर 2 को भी देंगे और ये पावर जो है ये 7 माइनस एक्स को भी देंगे। अब जब ये पावर 2 को देंगे तो 2 की पावर 2 जब लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 4, और 7 माइनस एक्स के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो फिर आपके पास क्या रह गया, अब यहाँ पे 4 इंटू 7 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट का कैंसिल हुआ तो क्या बचा 40 माइनस 9x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के साथ 2 और 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर थे, उन दोनों को हमने एक जगह मल्टीप्लाई कर दिया और 40 माइनस 9x स्क्वायर रूट के अंदर था, 7 माइनस एक्स भी स्क्वायर रूट के अंदर था, तो उन्हें हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी हो तो हम उसे ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख सकते हैं, डिवीजन में भी लिख सकते हैं बट एडिशन और सबट्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने उन्हें सिंगल रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई कर दिया, 40 माइनस 9x को मल्टीप्लाई किया 7 माइनस एक्स के साथ। अब एक से ज़्यादा वैल्यूज हो उन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट कंपलसरी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 40 माइनस 9x और 7 माइनस एक्स पे ब्रैकेट डाली है, क्योंकि दोनों टर्म्स में आपके पास दोनों उसमें दो दो वैल्यूज हैं आपके पास। अब इक्वालिटी की राइट साइड पर अगर आप देखें तो इक्वालिटी की राइट साइड पे सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर रूट था, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो सिर्फ क्या रह गया माइनस एक्स, तो इक्वल की राइट साइड पे माइनस एक्स है, इक्वल की लेफ्ट साइड को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 9x 4 इंटू 7 माइनस एक्स, 40 माइनस 9x तो इसी तरह रहेगा, 4 ब्रैकेट के बाहर है जो 7 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 4 7 जा 28, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x। अब यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स आ गई हमारे पास, 40 प्लस 48 क्या बनेगा 68, और 9x माइनस 9x माइनस 4x क्या बन जाएगा माइनस 13x, और इक्वालिटी आपके उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस 4 इंटू, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया पहले 40 को पूरे 7 माइनस एक्स के साथ, फिर 9 को 7 माइनस एक्स के साथ, तो क्या बना हमारे पास 280 प्लस माइनस 40x माइनस 63x, ये दोनों लाइक टर्म्स थी तो इनको हमने कंबाइन कर लिया, क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 40 माइनस 63 मींस 103x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपके पास क्या हो गया है, इक्वालिटी की इस तरफ जो स्क्वायर रूट है उसके बाहर भी ये नंबर है, और हमें इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने से पहले स्क्वायर रूट के बाहर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स हैं उन्हें हम शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के साथ कोई प्रोडक्ट में नंबर है तो वो उस पर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे भी तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, वो पावर स्क्वायर रूट वाली टर्म पे भी आ जाएगी और उस नंबर पे भी आ जाएगी, लेकिन ये वाली जो दो टर्म्स उसके साथ ऐड हो रही है अगर यहीं पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला बनाने के बजाय हम क्या करते हैं ये टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, जब ये शिफ्ट करेंगे फिर जब हम स्क्वायर लेंगे तो फिर इजीली हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करके बगैर कोई फार्मूला यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया सब्ट्रैक्टिंग, अब
68 ऐड हो रहा था तो उसको सबट्रैक्ट किया, 30 नेक्स्ट सबट्रैक्ट हो रहा था तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो माइनस एक्स पहले से वहाँ पे मौजूद था, अब राइट साइड पे हमारे पास माइनस एक्स माइनस 68 प्लस 13 एक्स है, माइनस एक्स प्लस 13 एक्स, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों मिलके क्या बन गए, 13 माइनस 1 एक्स 12 एक्स माइनस 68। अब आपके पास यहाँ पे कॉमन नंबर आता है, यहाँ पे आपके पास अगर आप चेक करें तो आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर 4 है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आएंगे आप इनको देखें तो इनमें से भी आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, माइनस 4 था यहाँ पे तो यहाँ भी हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि आपके साथ ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइंस को भी आप चेंज करेंगे। 4 थ्रीज आर 12 होता है, 12 पॉजिटिव था तो वो किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में। 4 सेवनटीन आर 68 होता है, 68 नेगेटिव था तो वो किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। तो क्या आया हमारे पास, माइनस 4 इंटू माइनस 3x प्लस 17। अब ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर ये जो माइनस 4 था इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग माइनस 4 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमने दोनों तरफ माइनस 4 से डिवाइड कर लिया, दोनों तरफ ऑलरेडी माइनस 4 मौजूद था तो इस दोनों तरफ से माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर अब सारी टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट के बाहर कोई टर्म मौजूद नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 और राइट साइड पे क्या है, 17 माइनस 3x। इसको हमने अरेंज कर लिया, पॉजिटिव टर्म को पहले और नेगेटिव को बाद में लिख दिया। अब हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वायर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। अब स्क्वायर रूट के बाहर कोई टर्म नहीं है तो अब जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास दो टर्म्स हैं, 17 माइनस 3x। जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी क्योंकि दोनों के मिड में क्या है, माइनस है। तो आपने फार्मूला यूज़ करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, 17 और बी क्या है, 3x। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 बच गया हमारे पास, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। राइट साइड पे 17 माइनस 3x होल स्क्वायर था, उस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए इज 17 एंड बी इज 3x, तो ए स्क्वायर मीन 17 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर, एंड 2 इंटू 17 इंटू 3x, 17 स्क्वायर मीन्स 289, 3x होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9। अब जब भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर आप डायरेक्ट उन पे पावर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में प्लस आ जाए तो फिर फार्मूला रूज होता है, फिर डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं होती है। आप यहाँ पे देखें तो 3x होल स्क्वायर है, मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर 3 पे भी आ गई और x पे भी। 3 पे पावर आई तो 3 स्क्वायर 9 बन गया और x स्क्वायर बन गया। 2 इंटू 17 इंटू 3x, 17 टू आर 34 एंड 34 थ्री आर 102x। अब ये कैसी इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पे 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वो सॉल्यूशन वो वैल्यू आप यूज़ करके 2x प्लस 5 को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि आपसे क्या कहा है, आप 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करें जब x जो है वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मींस पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये सारी जो इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पर टर्म है ये हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दी, राइट साइड पर विद ऑपोजिट साइन, राइट साइड वाली टर्म सॉरी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट की है। अब इक्वालिटी की राइट साइड पे क्या बन गया, जीरो, मींस एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि इक्वालिटी की राइट साइड पे जीरो है। अब लेफ्ट साइड पे हमने टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर के साथ लाइक है, एक्स वाली एक्स के साथ लाइक है और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। अब 9x स्क्वायर एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ है, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, वो पूरे का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 103x प्लस 102x प्लस इंटू माइनस, माइनस 103 में से 102 निकालें तो क्या बचता है, 1x, बड़े नंबर का साइन डाला जो क्या है, माइनस। इसी तरह से 280 माइनस 289 प्लस 280 माइनस 289 प्लस इंटू माइनस, माइनस 289 माइनस 289, तो हमारे पास अब दोनों टर्म्स में माइनस आ गया। टेकिंग माइनस 1 कॉमन, माइनस 1 को कॉमन लिया तो दोनों के साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 9 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस 9। अब हमें क्या कहा, 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करें जब x जो है वो आपकी इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, मींस वो गिवन इक्वेशन का सलूशन हो। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो हमारे पास क्या आई, माइनस 9।
अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी क्वेरी को सेटिस्फाई भी करती है या नहीं। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि जब हम इस वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस नाइन इन इक्वेशन वन, 40 माइनस नाइन एक्स, 2 माइनस सेवन एक्स के रूट, माइनस एक्स के रूट, ये आपके पास गिवन इक्वेशन थी। x की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस नाइन, 40 माइनस नाइन इंटू एक्स था, x की जगह हमने क्या पुट किया माइनस नाइन, प्लस माइनस टू इंटू सेवन माइनस एक्स। अब ये माइनस जो है ये इस वाले माइनस का है, और ये जो दूसरा माइनस है वो x की वैल्यू का है, क्योंकि एक मिड में माइनस है और एक x की वैल्यू के साथ माइनस है। तो सेवन माइनस के बाद x था, x की वैल्यू क्या है माइनस नाइन। तो हम एक साइन के साथ डायरेक्ट दूसरा साइन यूज़ नहीं करते, तो पहले हमने क्या यूज़ कर लिया ब्रैकेट, और इक्वालिटी की राइट साइड पे माइनस x था, ये माइनस इस माइनस का, और ये दूसरा जो माइनस है ये x की वैल्यू का है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस नाइन, नाइन जार 81, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नाइन था तो नाइन आ गया आपके पास, 40 प्लस 81 121, 7 प्लस 9 16, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 9, 9 परफेक्ट स्क्वेयर है, किसका स्क्वेयर रूट है, नाइन का स्क्वेयर रूट क्या है, किसका परफेक्ट स्क्वेयर है, थ्री का, तो नाइन के स्क्वेयर रूट को हम थ्री स्क्वेयर स्क्वेयर रूट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख चेक करें तो 121 माइनस टू इंटू 16, 121 भी परफेक्ट स्क्वेयर है, किसके इक्वल होता है 11 स्क्वेयर के इक्वल, और 16 जो है वो 4 का स्क्वेयर होता है। तो यहाँ से आगे हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी, हमारे पास 121 का स्क्वेयर रूट किसके इक्वल आया, स्क्वेयर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11, 11 का स्क्वेयर लिया जाए तो वो 121 बनता है, तो स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 11 माइनस 2 इंटू स्क्वेयर रूट 16 था, तो 16 का स्क्वेयर रूट क्या बना 4, अब 2 स्क्वेयर रूट से बाहर था तो उसी तरह है, फिर वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 8, 2 4s are 8, 11 माइनस 8 3, और इक्वालिटी की राइट साइड पे क्या था 3 था, इक्वालिटी की राइट साइड पे जब स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल करेगा तो क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, 11 माइनस 8 क्या हुआ 3, राइट साइड भी 3 है, 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ट्रू, द वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 9 मेक्स अ गिवन इक्वेशन ट्रू स्टेटमेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज माइनस 9। x की वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन जो हमें दी हुई थी जिसको जिसको सेटिस्फाई करती है वो कौन सी है माइनस नाइन है, और हमें फाइंड करना है 2x प्लस 5 की वैल्यू को। 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि 2x प्लस 5 में जहाँ पे x है, x की जगह आप क्या पुट करते हैं माइनस नाइन पुट करते हैं, तो 2x प्लस 5 में x की जगह हमने 9 माइनस 9 पुट किया, 2 9 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 18 प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 माइनस 5 13, so what is the value of 2x plus 5, the value of 2x plus 5 is equals to minus 13। तो अब क्वेश्चन में आपके पास वही इक्वेशन जो टाइप 2 की आपने पढ़ी थी वही दी हुई थी, डिफरेंस क्या था, आपको सोल्यूशन फाइंड करने का नहीं कहा था, आपको कहा कि आपके पास 2x plus 5 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, मींस आपने x की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, x की वैल्यू पता होगी तो 2x plus 5 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x आपने कहाँ से लेना है, आपको नीचे एक इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू वो वैल्यू आपने लेनी है जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो मींस पहले आपने x की वैल्यू उस इक्वेशन में से फाइंड करनी थी जो उसको सेटिस्फाई करती हो, और सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि उसका सोल्यूशन हो, तो आपने उसका सोल्यूशन फाइंड किया प्रीवियस मेथड को यूज़ करते हुए, फिर आपने उसका सोल्यूशन फाइंड किया, उसको वेरीफाई किया, तो उसने आपकी इक्वेशन को वेरीफाई किया, देन वो वैल्यूज आपने 2x plus 5 में x की जगह पुट की तो आपके पास 2x plus 5 की वैल्यू आई विच इज़ माइनस 13। अब इसी से रेलिवेंट आपके पास इस टाइप से रेलिवेंट एग्जांपल भी है, इस एग्जांपल की भी आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, ये टाइप आपके पास गिवन है जो अभी आपको बताई है कि क्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल साइन और दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल दूसरा साइड पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपने क्या करना है स्क्वायर रूट के साथ दो स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है उनमें से सेकंड नंबर वाला जो रूट है उसे इक्वालिटी की राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि एक ही तरफ दो स्क्वायर रूट वाली रखी है, दूसरी तरफ कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो उस लेफ्ट साइड पे सॉल्व करने के लिए स्टेप जो है वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे, तो हम सेकंड वाली को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो एक तरफ एक स्क्वायर रूट है, दूसरी तरफ एक ही स्क्वायर रूट है, उसके साथ जो टर्म ऐड हो रही है वो सिंपल कांस्टेंट है, तो 2 into a into b जब आएगा तो सिंपल फॉर्म में आएगा, उसको सॉल्व करना ईजी होगा, तो उसको सॉल्व करके आपने वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं की हुई, वेरिफिकेशन क्यों नहीं की हुई, क्योंकि अब आपके पास वेरिएबल x की जो पावर है वो 2 है, आपके पास जो दो आंसर आएंगे वो दोनों ही उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो
आप वेरिफिकेशन करें, अच्छी बात है, उससे आपको अपना आंसर भी कंफर्म हो जाएगा और आपके स्टेप्स भी प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं भी करते तो भी उसके लिए कंपलसरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स की पावर 2 है और वेरिएबल एक्स के 2 आंसर आए हैं, तो दोनों ही आंसर कंपलसरी है कि उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर आपने प्रॉपर स्टेप वाइज ठीक फाइंड किए हैं, आंसर ठीक है, तो वो दोनों ही आंसर उसको सेटिस्फाई कंपलसरी करेंगे। आपने एग्जाम्पल जो गिवन है उसकी प्रॉपर नीड प्रैक्टिस करनी है विद कंप्लीट स्टेप्स। अब कंप्लीट स्टेप्स अगर वहाँ पे बुक पे मेंशन नहीं होते, डायरेक्ट स्टेप्स होते हैं, तो आपने डायरेक्ट स्टेप्स के साथ बुक से देख के एग्जांपल सॉल्व नहीं करनी, प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करनी है। और क्वेश्चंस जो किए करवाए हैं उनको नीट नोटबुक पे प्रॉपरली सॉल्व करना है विद कंप्लीट स्टेप्स। एंड एमसीक्यूज जो आपके पास